मैदान कयामत में जब दुनिया घबरा कर कोई कहीं दौड़ेगा, कोई कहीं दौड़ेगा, इनका आलम क्या होगा? फरमाया न इन पर खौफ होगा न इनको कोई गम। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और यह अल्लाह पर न कोई खौफ होगा न कोई गम, ये अंजाम पहले का। और आगे बढ़े बढ़े अल्लाह लना आमनु व कानु यत्तकून, आगे विलायत बताई जा रही है कि वली कौन सा होता है। अल्लाह से ना आमनु, ईमानदार भी हो, उसका ईमान भी मुकम्मल हो, व कानु यत्तकून, और तकवा भी मुकम्मल हो। दो शर्तें बताई, अल्लाह से ना आमनु व कानु यत्तकून, मुत्तकी परहेजगार भी हो, ईमानदार भी हो, वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का वली। तो काम बाद में बताया, अंजाम पहले आना, के काम पहले होता है, अमली तौर पर काम पहले होता है और अंजाम रब की तरफ। यूं कहो कि एक चीज बंदे की तरफ से, एक रब की तरफ। काम बंदे की तरफ से और अंजाम। अब तो हुआ रसूल, अब तो इबादत से बना है और रसूल इंसानों से बना है, तो अब तो हूं ये इबादत फेल है नबूवत। इबादत फेल है नबूवत, रिसालत फेल है मुकाबला। तो जब इबादत नीचे से ऊपर जाती है ना, इबादत 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 इबादत, तो फिर ऊपर से उतरती है उसके अंजाम में रिसालत। तो जब दोनों आपस में मिल जाती है तो फिर बनता है आबदो हुआ, फिर बनता है अब्दो हुआ रसूल। तो नबी और वली में एक फर्क है, एक लाख चौबीस हजार अंबिया में से कोई नबी भी औरत नहीं है। ये ओहदा नबूवत, ओहदा रिसालत मर्दों के लिए अल्लाह ने रखा है, खवातीन के लिए कोई नबूवत और रिसालत में। फिर गौर से सुने, औरतों का कोई हिस्सा, लेकिन विलायत जहां मर्दों को मिलती है वहां औरतों, विलायत के अंदर दोनों का हिस्सा। अगली बात, नबी के पास बैठकर आगे नबी बन जाए, चराग चराग से रोशन होता है, नबी के पास बैठकर सिद्दीक तो बन सकता है, नबी के पास बैठकर फारूक तो बन सकता है, उस्मान तो बन सकता है, अली तो बन सकता है, नबी के पास बैठकर नबी नहीं बन सकता, क्योंकि नबूवत एक होता है, नबूवत वाबी चीज है, कसबी नहीं है। चेहरा मुश्किल हो समझना, नबूवत वाबी चीज है, अल्लाह खुद इनायत कर, और विलायत एक कसबी चीज है, ये कसब के साथ, ये मेहनत के साथ, रियाजत मऊनत के साथ, मशक्कत के साथ, अपने नफ्स की मुखालफत के साथ, खुदा की रजा के अंदर फना होने के साथ विलायत मिलती है। ये कसबी चीज है और वाबी चीज है, दोनों के लिए फर्क। तो मैं कह रहा हूं कि विलायत नबी के पास बैठने से नबी नहीं बन सकता, लेकिन वली के पास बैठने से वली विलायत मिल जाती है। अगला फर्क, अगला फर्क क्या है? नबी नबूवत का दरवाजा बंद है, नबूवत का दरवाजा बंद है। अब हजरत मोहम्मद
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद कलामा तक कोई नया नहीं है, लेकिन विलायत का दरवाजा कयामत तक खुला और इस विलायत को परखने का तरीका क्या है कि वली कौन है और कौन नहीं। अल्लाह आमनू वकानू यत्तकून, ईमान भी हो और तक्वा भी हो। और दूसरे मकाम पे फरमाया गया इन औलियाउहू इल्लल मुत्तकून, मेरा वली वो होता है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो, वो मेरा प्यार। और फिर फरमाया इत्तकू फिरासत अल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, उसको अल्लाह एक नूर अता फरमाता है जिसके साथ वो देखता है। मोमिन को अल्लाह एक नूर अता फरमाता है। और एक हदीस है, और हदीस भी बस एक बात है बुखारी शरीफ, ज्यादा हवाले इसलिए बुखारी के देता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब के खिलाफ हदीस हो फौरन कह देते हैं ज़ईफ है, और बुखारी की हदीस को इतना जल्दी सही नहीं कहते हैं इसको, लेकिन दबे इतना जल्दी सही नहीं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, बाल उनके गुबार आलूदा, कपड़े उनके फटे हुए, बजाहिर हालत इंसानों के अंदर बैठने की भी नहीं है, लेकिन होते मेरे वली बने रुबा अखबारा अशअश लो अक्षम अल्लाह। फरमाया अगर वो कसम खा दे, किसी बात पर कसम खा दे कि खुदा की कसम ऐसा होगा, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी कसम की लाज पूरी करता हूं। कसम हदीस पाक में आ रहा है कि एक सहाबी पर एक इल्जाम लगा और गलत ने कसम खुदा की कसम मेरा अल्लाह मुझे इससे करीब कर, कसम और इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, फरमाया खुदा की कसम है मेरा रब मुझे इससे करीब करेगा। सहाबी का कसम उठाना था, असबाब भी रब ने ऐसे बना दिए कि सहाबी बड़ी 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 बड़ी। और वली अपनी विलायत का पहरा देता, याद रखना वली अपनी विलायत, जिस तरह को आलिम हो ना आलिम, उसके साथ को झगड़ा करना, लड़ाई करना, गाली देना, तो वो सोचता है कि अगर इस तरह का बहना मैं बोलूं तो लोग यार तू तो आलिम, तू तो पढ़े लिखे बंदे हो, तो उसको फिर बहुत सारी चीजों पर सफर करना पड़ना। आलिम का हौसला तो ऐसा नहीं होता जिस तरह आप जाने जा। तो वली अपनी विलायत पर पहरा देता है कि वो जौहर जो रब की तरफ से मिला है उसकी मैं हिफाजत करूं, उसे छुपा छुपा के रखूं, कोई ऐसी हवा न आ जाए जो इसे ले जाए, उसको छुपाता है। वली अपनी विलायत को छुपाता है, तो वली अपनी विलायत को छुपाता है, और वली पर अपनी विलायत को छुपाना फर्ज है, नबी पर अपनी नबूवत का इजहार फर्ज है। अल्लाह करे कोई समझ आ गई। वली ये कहे कि मैं वली हूं तो वो वली ही नहीं है, वली हमेशा अपनी विलायत को छुपाता है और नबी हमेशा अपनी नबूवत का इजहार करता है। मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, अना नबीयो ला कसम, अना ब्रोहेदल मुक्तलिब, अना नबीयो ला कसम, अना ब्रोहेदल मुक्तलिब। हुजूर दोनों पर सवार हो गए, फरमाते हैं लोगों इसमें कोई शक नहीं, मैं नबी हूं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से, इजहार करता है, पहरा दे रहा है अपनी विलायत का पहरा दे रहा है। और सहाबा के बाद विलायत का कदम, सहाबियत विलायत से ऊपर, सहाबियत का मकाम जो है ये विलायत से ऊपर है और विलायत नीचे है। सहाबा के नक्शे कदम पर चलने से विलायत मिलती, जिस तरह नबूवत खत्म है, कान खोल के सुन, जिस तरह
نبوت ختم ہے ولایت بھی ختم ولایت باقی ہے صحابیت بھی ختم لیکن ولایت باقی ہے صحابہ کا نقش قدم پر چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں تو آگے ایک بندہ کھڑا ہے وہ پوچھتا ہے من ہذا میرا ہجرت کی رات یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ توجہ کر رہے ہیں اب اگر بتا دیتے ہیں کہ حضور ہے تو خطرہ ہے خطرہ ہے حضور کی جان کا خطرہ ہے اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی صداقت کا خطرہ ہے سمجھے ذرا بات وہ جو جوہر اندر رکھا ہوا ہے رب نے صداقت والا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے نبوت کی حفاظت بھی صداقت کی حفاظت دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی تھی پوچھا من ہذا معک آپ کے ساتھ یہ کون ہے صدیق اکبر درمیان میں ہے اگر بتاتا ہوں سچی بات تو نبوت کو خطرہ ہے جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کو خطرہ ہے میری طرف توجہ رہے صداقت کو خطرہ ہے حضرت صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہذا رجل یہدینی السبیل یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اور جھلے نے سمجھا کہ یہ زمین کا راستہ ہے صدیق اکبر جنت کا راستہ براب ہے اس کے سامنے جنت کا راستہ اس کے سامنے ہذا رجل یہدینی السبیل مومن کی فراست مومن کی فراست علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو بچے آ گئے امیر المومنین ہمارے والد صاحب نے ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ بطور امانت کے رکھا اور کہا تھا کہ جب میرے میں مر جاؤں تو یہ میرے بچوں کو دے دینا 1000 میں سے ہمیں 100 دیتا ہے 900 اپنے پاس رکھا ہم کیا کریں پیر علی نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ علی مرتضیٰ کی عدالت لگ گئی جن کو حضور نے فرمایا تھا اقصاہم علی علی میری امت کا جج ہے علی میری امت کا علی میری امت کا جج ہے عدالت لگ گئی وہ شخص آ گیا اس نے کہا جی میرے پاس وصیت ان کے ابے کی وصیت موجود ہے 900 میرے ہیں 100 ان کا ہے جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا وصیت نامہ دکھا مجھے جب دکھایا گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا جو آپ چاہیں وہ ان کو دے دیں اور باقی رکھ لیں جو آپ چاہیں ان کو دے دیں تو حضرت علی نے جب وصیت نامہ پڑھا جناب علی فرماتے ہیں جناب ان کا 900 بنتا ہے 1300 بنتا ہے اس نے کہا جناب کیسے حضرت علی نے فرمایا اوپر لکھا ہوا کیا کہتا لکھا ہے جو آپ چاہیں وہ ان کو دے دیں نہیں نہیں سبحان اللہ نہیں گال نہیں سمجھ آئی فرمایا جو آپ چاہیں وہ ان کو دے دیں تو آپ نے کتنے چاہے اپنے لیے کہنے لگا 900 فرمایا اوپر جو لکھا ہے جو آپ چاہیں وہ ان کو دے دیں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں دوسرا فیصلہ ایک لڑکا کہتا ہے یہ میری امی ہے وہ کہتی ہے میں نے ابھی تک نکاح ہی نہیں کی وہ کہتی ہے میں نے ابھی تک نکاح ہی نہیں کیا میری شادی ہی نہیں ہوئی اور وہ کہتا ہے یہ میری امی ہے اختلاف عجیب سا واقعہ پیش آ گیا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرا نکاح نہیں ہوا تیرا نکاح نہیں ہوا جی نہیں ہوا حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں بحیثیت خلیفہ ہونے کے اس لڑکے کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں جب نکاح کا لفظ بھی بولا تو چلا اٹھی ہائے ماں بیٹے کا کبھی نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی فرمائے ہن سدھی ہوئی ہے کہ ماں بیٹے کا کبھی نکاح ہو سکتا ہے اللہ اللہ اتقوا فراست المومن
فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ ایک اللہ کے پیارے گزرے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور کے لوگ یہ ویسے عام لوگ نہیں تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے اندر اپنے دور کے اولیاء کے اندر بایزید بستامی کی حیثیت اس طرح تھی جس طرح فرشتوں کے اندر جبریل امین کی حیثیت یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے الہام ہوا میں نے جھٹک دیا کہ شاید وسوسہ ہے بایزید بستامی فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا کہ فلاں جگہ پر عیسائی بہت رہتے ہیں ان کا پادری روزانہ ان کو جا کے تبلیغ کرتا ہے تو بھی ان کے اندر مل جا اور کوئی بات کرنا ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں کو بدل دے الہام ہوا اللہ پاک کی طرف تو یہ بات بھی قابل غور ہے نبی پر وحی آتی ہے اور ولی کو الہام ہوتا ہے ولی کو کیا ہوتا ہے بھائی الہام ہوتا ہے الہام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے فاروق کو الہام ہوتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا الہام ہوتا اور کئی اللہ کے پیاروں کو الہام ہوتا اور ایک قرآن سے ثابت ہے جنید بغداد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چل پڑے جب دیکھا نا تو ایک پادری ممبر پر یا کرسی پر یا اونچی جگہ جو بھی انہوں نے بنائی تھی وعظ کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے جو ہی جا کر حضرت بایزید وہاں بیٹھے اس کی طبیعت پر انتباہ شروع پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا طبیعت پر انقباض شروع ہو طبیعت منقبض ہو بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا طبیعت کھل نہیں رہی تھی شرح صدر نہیں ہو رہا کبھی ایسا ہوتا نا بڑے سے بڑا خطیب ہی نہیں بول سکتا جتنا چاہے زور لگائے طبیعت کھلتی نہیں طبیعت کھل نہیں رہی تھی تو اس کو الہام ہوا تھا ان کے اندر جا حضرت بایزید کو اور اس کے دل کے اندر بھی بات آ گئی عالم تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم داد یوں معلوم ہوتا ہے واللہ داخل فینا محمدی ہمارے اندر کوئی آخری نبی کا امتی آ کر بیٹھ گیا ہمارے اندر کوئی آخری نبی کا امتی بیٹھ گیا اور اس کی وجہ سے میری زبان بند ہو میری زبان نہیں چل رہی میں اس کو اس کے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کھڑا ہو اس کو اپنے پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں وہ کھڑا ہو جائے اتنے غیر کے مجمع میں کھڑا ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے جب نبوت کا واسطہ آیا تو وہ کھڑے ہو اللہ اللہ عجیب سی بات مولانا عبدالقادر آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنائی کہ یہ شاہی مسجد ہے نا اس کے قریب کوئی جیب کتروں کا دفتر تھا یا اب ہے یا اس وقت تھا یا اب ہے یا تھوڑے دیر پیچھے ہے تو وہ جیب کترا جو تھا نا ان کو ٹریننگ دیتا اپنے شاگردوں کو یوں جیب کاٹ لیا یوں جیب کاٹ وہ پتہ نہیں کیا کرتا تھا تو جو جیب کاٹ کر لاتے بڑی امانت دیانت کے ساتھ وہ سارے پیسے استاد کے ساتھ جو آپ نے لینے ہیں لے لو باقی ہمیں دے تو ایک دن ایک شاگرد آ گیا اس نے کچھ بھی نہیں لایا یہ شاہ صاحب بات سنا رہے تھے عبدالقادر آزاد نے بات سنا استاد نے پوچھا پیسے کیوں نہیں لائے جناب ہاتھ تو پیسے آئے تھے 60,000 روپیہ لیکن میں نے جہاں سے اٹھایا تھا میں نے وہی امانت دیا کے ساتھ اس نے کہا ہوے جیب کترا کہ پیسے لے کے تو پھر رکھ چھڑے کی بھی ہو سکے جناب پیسے عیسائی کے اور ساکھا جیب کترے نو کی لگے بھامے یہودی دیو من تو بھامے عیسائی دیو بھامے مسل کو مسلمان نو لٹنا عیسائی نو نہیں لٹنا ہے اس نے کہا جناب عیسائی کے تھے پیسے میں نے اٹھا لیے کسی نے نہیں دیکھا 60,000 روپے میں نے جیب میں ڈال بعد میں خیال آیا کہ قیامت والے دن اگر اس عیسائی نے میری شکایت لگا دی حضرت عیسیٰ کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے
और आपके पास आकर ये शिकवा कर दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ आखिरी नबी, मैं ईसा हूँ और ये मेरा उम्मती है और ये तेरा उम्मती खड़ा है, इस तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती के इतने पैसे उठाए थे, ये बात मेरे जहन में आ गई कि क़यामत वाले दिन मेरी वजह तू मेरे नबी नु उलामा मिले, मेरी अखा थले हो जान गया, इस वास्ते मैं 60,000 वापस रख छड़िया। जेब कुतरा और ये सोच, जेब कुतरा और ये सोच, ये बात पहुंची सैयद अब्दुल कादिर आजाद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा पाश इसके बाद एंड कर दे इस काम का, हो सकता है तेरी बख्शिश के लिए यही काम काफी हो, तेरी मगफिरत के लिए यही काम। उसने जब कहा ना कि मैं तुझे वास्ता देता हूं तेरे नबी का, जो हम इतना चंदा होना थे बाकी रकम खराब, जो मोहम्मद ही बैठा है हम में वो खड़ा हो जाए। मेरे ऊपर एक दफा किसी ने सवाल किया था, मुझे याद है कि आप अपने नाम के साथ मोहम्मद ही लिखते हैं, किसी सहाबी ने मोहम्मद ही लिखा है? मैंने अबू दाऊद बाबुल हौस से हदीस निकाल कर दिखाई थी कि एक सहाबी आके बैठा और दूसरे ने कहा जा फीना मुहम्मदीयन, वो देखो मुहम्मदी आकर बैठ गए। तो सहाबा किराम के अंदर भी लफ्ज मुहम्मदी चलता था, दूसरे कहा खड़े हो जा, खड़ा हो गया। अब अपनी खिफत मिटाने के लिए इतने शामीन बैठे, अपनी खिफत मिटाने के लिए उनका आलम था, अपनी बेइज्जती मिटाने के लिए कहता है मेरे कोई सवाल आता है मैं तेरे ऊपर करूंगा, आप जवाब देंगे? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हाँ मैं तेरे सवालों के जवाब दूंगा। अब पता ही नहीं कि कौन से सवाल करेगा, सच्ची बात है, जब मुनादरे में दाग जाते तो किताबों को इस तरह असबर कर लेते, मुखालिफ के सवालात के जवाबों को इस तरह याद कर लेते, ऐसे मुनादरे के अंदर लगता था कि हमारे सामने कोई किताब खोल के खड़ा हो, हालांकि किताब उसका सामने भी नहीं होती। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद पड़ता है, एक जगह मैं मुनादरा कर रहा था और जो मेरे मोमिन थे उन्होंने मुझे किताब का हवाला गलत निकाल कर दे, 100 सफा पीछे ही इबारत है और 100 सफा आगे निकाल कर दे दिया, मेरे सामने किताब है और मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा हो, 100 सफा आगे और मुझे वो इबारत जबानी याद थी, किताब खुली हो मैं इबारत पढ़ता जाऊँ और इबारत भी सही है, मुखालिफ इतराज भी ना कर सका कि तेरी इबारत गलत है और तू इबारत गलत पढ़ रहा है, मैं इबारत सही पढ़ता जा रहा और पूरा हवाला पढ़ के बात को साबित कर दिया, बाद में देखा वहां वो इबारत ही खुली, 100 सफा पीछे 100 सफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाते, अल्लाह पाक मदद फरमाते। ईसाई, मैं जा रहा था ट्रेन के अंदर, एक ईसाई बातें कर रहा था तो मैंने उस ईसाई से पूछा, तो मैंने उसको दावत देनी शुरू की, दम जमात के साथ मैं था, तो मुझे कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा ये बता, अब ईसाई और भी साथ खड़े थे, मैंने कहा ईसा अलैहि सलाम का सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा था, ईसा अलैहि सलाम का सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा था? कहता है आप अपने नबी का बता सकते हैं? मैंने कहा मैं अपने नबी का भी बता सकता हूँ, तेरे नबी का भी बता सकता हूँ, कहाँ खड़े? और हमारे बच्चे बच्चे से पूछो, मुसलमानों के बच्चे बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चा बता देगा हुजूर अलैहिस्सलाम का बर्दो में सबसे पहले कलमा हजरत सिद्दीक अकबर, बच्चों में हजरत अली ने पढ़ा, खवातीन में जनाब खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, और गुलामों में हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनने ये कलमा पढ़ा और तेरा किसने पढ़ा, तेरे नबी का? कहते बरनबास ने। मैंने कहा 200 साल बाद आया हजरत, कहा हो 200 साल बाद में पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम से, तुम कहते हो उन्होंने सबसे पहले, ये 2 सदियां वैसे ही गुजर गई, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। अब खामोश, मुझे दोस्त कहते आप बता दे, मैंने कहा ये कह दे मुझे नहीं आता तो मैं बता दे, उन्हों की में आके मैं नहीं वो किस तरह कहे कि मुझे नहीं आता, ऐसा सा कहते मुझे नहीं आता। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे पहले कलमा हजरत मरियम ने पढ़ा था, किसने पढ़ा था भाई? उनकी वालिदा। मैंने कहा जा अपने पादरियों से जाकर पूछ, जा अपने पादरियों से। कल एक आदमी ने मुझसे मसला पूछा कि एतकाफ के अंदर औरत बैठी है, तो सवाल भी पिशावर से कि औरत एतकाफ में बैठी है तो अय्याम में माहवारी शुरू हो जाए, अब क्या करें? मैंने कहा तोड़ दे, तो कजा कितनी करे? सवाल था कि अब कजा करनी है, कजा 10 दिन पूरे करे या कितनी कजा करे?
तो कहने लगा कि मुफ्ती हजरत मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा जिस औरत को इतकाफ के दौरान अय्याम शुरू हो जाए सिर्फ रमजान शरीफ के बाद 24 घंटे का इतकाफ करे बस। मैंने कहा जिस मुफ्ती जा पूछे क्यों जी। मैंने कहा सुन्नत जब सुन्नत का वक्त गुजर जाए तो सुन्नत की कजा नहीं होती। सुन्नत का जब गुजर वक्त गुजर जाए तो सुन्नत की कजा नहीं होती। एक उसूल यहां यह लगता है और दूसरा उसूल यह लगता है कि जो काम शुरू कर दिया जाए वो जितना शुरू हो जाए उतना उसको पूरा करना चाहिए। ये भी उसूल है। नफल शुरू कर दिए जाए तो इमाम आजम का फतवा है कि नफल शुरू करके तोड़े ना जाए। अगर नफल शुरू करके तोड़ देता है तो वो नफल दोबारा पढ़ने पड़े और नफली रोजा अगर शुरू करके तोड़ देता है तो उसको दोबारा रखना पड़ेगा। तवज्जो इस वास्ते ये इत्काफ क्या है फर्ज है। शुरू कर दिया जब शुरू कर दिया जिस दिन में टूटा है उसी को पूरा करने करेगी और बाद के जो अयाम है वो चूंकि बाद में करेगी और वो गुजर चुके हैं अब उनका उनकी कजा होने। तो फिर जब मुख्तलिफ मुफ्तियान से जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब ठीक है। मैंने कहा हवाला बाद में बताऊंगा लेकिन मेरा जवाब अल्लाह के फजल से ठीक है। दरूद पाक पढ़ो मुझे सुबह की कसम है जब सुबह सांस लेती है।
जो बेजान चीज है वो सांस लेती है। फिर अगला सवाल कहने लगा, वो बेजान चीज बताओ जिसने हज किया, जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत बायजीद फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब चढ़ती है सैलाब के दर पर, खाना काबा के जब बिल्कुल इस्तिवा के अंदर आती है, तो सात चक्कर लगाकर बैतुल्लाह का तवाफ करती है। अच्छा, वो कौन बता सकती हो, वो कौन बता सकती हो जिन्होंने सच बोला हो और जहन्नम में ना, सच बोला हो और जहन्नम में ना, जी बता सकते यहूदियों ने कहा ईसाई बेईमान है और ईसाइयों ने कहा यहूदी बेईमान है। हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं दोनों ने ठीक कहा है, लेकिन जाएंगे जहन्नम। बकायत यहूदियों ने सत्य नसारा लाश है, यहूदियों ने कहा नसरानी झूठे और नसरानियों ने कहा यहूदी झूठे, जब उन्होंने कहा वो झूठे हैं सच कहा, जब उन्होंने कहा वो झूठे हैं सच कहा। फरमाया इस कौम ने सच बोला है लेकिन जाएगी कहां। अच्छा, वो कौम बता सकती हो जिन्होंने झूठ बोला और वो जन्नत में जाएंगे। फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब अपने बाप के पास आए यूसुफ को कुएं के अंदर डाल के, बचाओ वला अभी से ही के दम कसे, वो झूठा खून लेकर आए थे, उन्होंने झूठ बोला था लेकिन जाएंगे जन्नत के अंदर। जाएंगे कहां, मजे की बात है, कल मैं ज़रकानी का मुताला कर रहा था, अजीब इंसान, ज़रकानी का मुताला कर रहा था, जो भाई इधर से कुर्ता लेकर बाप के पास गया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में पहुंचा तो वहां से अल्लाह ने यूसुफ को कुर्ता दिया, फरमाया कि मेरे अबे वही भाई वहां से भी कुर्ता लाया, जो यहूदा ने, यहूदा और ये यहूदा की औलाद यहूदी, यहूदा की औलाद क्या है भाई, यहूदी, तो उधर से भी वही कुर्ता आएगा, उधर से भी वही कुर्ता आएगा, तो वो जो कुर्ता चला तो खुशबू आई अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम को, इन्नी लाजलो रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्नतुन, फरमाया 40 साल के बाद आज मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ गई, तो वो कुर्ता वहां से चला, यहां की तवज्जो, ये कुर्ता कहां से आया और किसका था, ये कुर्ता किसका था, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डालने लगे तो अल्लाह ने जंगल से कुर्ता भेजा था, जिब्रील को लेकर जिब्रील जा मेरे इब्राहिम को पहना दे। जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, मेरे इब्राहिम को पहना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता चला हजरत इसहाक के पास आया, हजरत इसहाक से चला हजरत याकूब के पास आया, हजरत याकूब से चला जनाब यूसुफ के पास आया, जनाब यूसुफ के गले के अंदर वो तावीज बनाकर डाल दिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, इतना जन्नत का कपड़ा है पछाड़ी मेरे दफ तावीज के अंदर स्कूल तक बंद कर दिया, वरना तुझे हिसाब करना बह जाओ बेटा, बड़ा कुत्ता तावीज आ के नहीं सकता, बोल झूठ बोल, जन्नत का कपड़ा था एक तावीज के अंदर आ गया गले के अंदर डाल दिया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डालने लगे तो वही कुत्ता जिब्रील ने फिर वो तवीज से निकाल कर देना यूसुफ के गले में डाल दिया, और ये वो कुत्ता था जो जन्नत से आया, जिम्मेदारी से बात कर, और यही वो कुत्ता था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से लेकर याकूब के पास हजरत इब्राहिम के पास और चलता चला चला, वो कौन बताओ जिन्होंने झूठ बोला हो और जन्नत में जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद तौबा कर चुकी थी और तौबा का जिक्र कुरान पाक में आ रहा है पहले पारे के बिल्कुल आखिर में, इन भाइयों ने तौबा कर, हम कौन तुम शुहादा इस हजार याकूब अलमौत, याकूब अलैहिस्सलाम से जब मौत आने लगी तो अपने बेटों को बुला लिया और बुला के फरमाया माता बदून मिन बाती अम कुंतुम शुहदा इज हाजर याकूब अल मौत इस काल अल बनी है माता बदून मिन बाती, बताओ मेरे बाप किसके सामने सर झुकाओगे,
इसकी इबादत करेंगे। कहलो कहने लगे ना बोलो इलाह का इलाह आबाए का अब्बा जी, जिसकी आप और आपके आबा अजदाद इबादत करते रहे हम भी उसी की इबादत करें। निशे निशे उलमा ने लिखा तौबा हो गई। अच्छा तौबा हो गई, फरमाया ये जन्नत मुस्नद अहमद के अंदर है। मुस्नद अहमद इन्होंने तौबा कर ली तब इनकी मगफिरत हो गई। वो पानी बताओ, अरे भाई यदि खड़े वो पानी बताओ ना आसमान से बरसा ना जमीन से, आसमान से बरसा न जमीन से निकला। हजरत बाजीद फरमाते हैं बल्कीस ने अपने घोड़े का पसीना जमा किया था और एक कारूरे के अंदर बंद करके हजरत सुलेमान पैगंबर के पास बोकर पूरी भर के भेज दी थी। ये वो पानी था न जो आसमान से निकला था। जवाब ठीक। अच्छा वो चीज बताओ जो अल्लाह ने पैदा की हो फिर उसको बुरा कहा। फरमाया इन्ना अंकर अस्वाद रसौत हबीब, कथे की आवाज को खुद अल्लाह ने पैदा किया और फरमाया इन्ना अंकर अस्वाद रसौत हबीब, कथे की आवाज सबसे गंदी आवाज, गधे की आवाज सबसे गंदी आवाज। अच्छा ये बताओ अल्लाह ने एक चीज को पैदा किया हो और फिर पूछा हो कि ये चीज को पैदा किया हो और फिर पूछा हो कि ये क्या है। हजरत बायजीद फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अल्लाह ने पैदा किया मूसा के हाथ में और फरमाया मा तिलका बियमीनिका या मूसा, बता मूसा तेरे हाथ में क्या है। पैदा भी खुद किया और पूछा भी खुद। अच्छा अगली ये बात बताओ एक चीज को अल्लाह ने पैदा किया हो, बाशीर बताओ अल्लाह ने पैदा किया हो और फिर कहा हो कि ये बहुत बड़ी चीज है, पैदा भी कर लिया हो और उसकी बड़ाई का इकरार भी किया हो। हजरत बाशीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरतों के मकर को पैदा किया और फिर हम फरमाया इन्ना कैदा कुन्ना असीम, औरतों का मकर बहुत बड़ा मकर। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि एक खामिद ने अपनी बीवी से कहा, हल चलाने वाला बाबा था, अपनी बीवी से कहा कुरान कहता है तुम्हारा मकर बहुत बड़ा मकर, कभी मैनू भी को लिखा कि जिंदा मछली औरत ने ले ली वो जहां हल चला रहा था और जी तुम हल का सियाड़ होना ना पंजाबी किया दे हला वो दे अगे जाके मछली दफन कर, दो चार किलो की मछली थी वहां उसको दफन कर और खामिद को नहीं पता था वो हल चलाता जा रहा था हालत ही तो गुजर गया मछली भी चोरी कर ली। पहले उनको रोका मछली को देखा मछली है सुभान अल्लाह, बीवी को बुला के कहती है कहता है ये मछली है इसको जा पका के ला अच्छा खाना बना के ला, पता नहीं है कि बीवी ने छुपा वो कई भी काटा बनाया है अच्छा मिसालेदार का लेकिन भूख लगी हुई खा गई खा गई। जब खा गई तो जब आया ना घर रोटी किधर है वो मछली जो मैंने दी थी कौन सी मछली वो जो मैंने वहां से आपको पकड़ कर दी है खेत से। अब पागल हो गया खेत के अंदर मछली होती है बेवकूफ हो गया। एक बंदा 4 किलो गोश्त उस गाय के अंदर ते औरत चखती रही चखती रही चखती रही जब तो चखती रही मुका आ गई और पूछा गोश्त जेड़ा लाए के कितना जो कितने बिल्ली खा तो घर एक बिल्ली फिरती सी और चौक के तकड़ी तरह बिल्ली का वजन टोटल 1 किलो होगा वो साथ क्या ये बिल्ली है तो गोश्त भी थे ये गोश्त है तो फिर भी ये तो टोटल 1 किलो ये तो किलो पूरा खा गई। अजीब औरत ने तो बिल्ली खा गई ये भी पता दो टंगा नहीं खा गई 4 टंगा गोश्त 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 छुपा के रख लिया उसने अना अना मछली कहां से होकर ना कर दिए मछली पकड़ कर दिए कि तो पानी चुन खेतों में से पकड़ कर दिए उसका अकल का खेतों में मछली होती है तो पानी के अंदर होती है दरिया के अंदर होती है बड़े पानी के अंदर बीवी को मारना शुरू कर दिया लोग आ गए क्या बात है उसने कहा मैंने मछली पकड़ के दी है इसलिए मछली कहां से आ गई
ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋ ਪਰ ਜੇ ਲੇਤਰ ਲਿਆ ਲਾ ਤਾਂ ਕਮੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਖੇ ਸਤੂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੱਕੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ जिसको रब ताला ने पैदा किया हो और फिर फरमाया उसकी बड़ाई का इकरार किया फरमाया कुरान ने कहा इन कैदकुम अजीम औरतों का मकर बहुत बड़ा मकर ऐसे फरेख्ता हो गई है जुलेखा याकूब अलैहिस्सलाम पर हमें भी दिखा दस्तरखान लगाया गया उनको बिठाया गया हाथ के अंदर चूल्हे दे दी गई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया तुम खुद जा रहे हो अब कहां भी कहां जब बैठ गई ना जब बैठ गई तो अब फरमाया अब कहने लगी कि निकलो इस पर कर वो ऊपर निकले वक्त तान आई दी हम लोग और नहाश अल्लाह व हासा बशरा इल हाजा इला मलकुल करीम अपने हाथ में पकड़ो तवज्जो हर खतीब हर मुकरर कहेगा कि बेहोश हो لیکن حضرت لاہور کا مطلب ہے اختلاف کا حضرت مولانا مدنی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں اپنی نے وہ اختلاف کرتے ہیں فرماتے ہیں عورتیں با ہوش و حواس ان کے حواس نہیں اڑے وہ باتیں کر رہی ہیں قلنا حاشا للہ خدا کی قسم ما ہذا بشر یہ انسان نہیں ہے ان ہذا اللہ ملک کریم ہم مصر کی سب سے زیادہ حسین عورتیں ہیں اور ہمارے ساتھ تعلق کو قائم کرنا دنیا فخر سمجھتی ہے جب یہ دیکھتا ہی نہیں ہے ہم بن بن کے مر گئے ہیں یہ دیکھتا ہی نہیں ہے تو یہ انسان نہیں ہے یہ کون ہے اللہ لاہوری فرماتے ہیں ہوش ہو یہ جو کہا جاتا ہے بے ہوش تھی غلط بات ہے کیونکہ قرآن کے اندر بے ہوشی والی بات اللہ لاہوری فرماتے ہیں بے ہوش تھی جب جناب یوسف گزر گئے ان کی طرف دیکھا نہیں تو اب انہوں نے مکر کیا اپنے ہاتھ کاٹے کہ ہمارا جب خون نکلے گا پھر تو دیکھے گا جناب یوسف نے پھر بھی نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب یوسف نے پھر بھی نہیں اور وہ کیا کہتی ہے وَقَدْ رَابَتُهُ بِنَّفْسِي فَسْقَاسَمْ بڑا زور لگایا ہے وَلَقَدْ رَابَتُهُ بِنَّفْسِي میں نے بڑا زور لگایا بڑا زور لگایا فَسْقَاسَمْ کیا کرتی ہو جو آگے معصوم تھا کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر جاتا ہے اندر دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک قصہ ہی پورا ہی سننا نہ پڑے گا کسی بھی جب اندر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لولا الرعب الرحمن میں نے اپنی ایک نشانی دکھائی حضرت نشانی دکھائی تو خاتون اوپر پردہ کر رہے اس کے اوپر ڈال رہی اندر بہت بڑا تھا اس کے اوپر اپنا دوپٹہ ڈال رہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہے پردہ ڈال رہی کیوں یہ میرا خدا ہے میرے طرف دیتا ہے مجھے شرم آتی ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا رب تو وہ ہے جو دوپٹے کے اندر بھی اندھا ہو جاتا میرا رب سات زمین اور سات آسمان سے میں کہاں چھپوں تو تو چھپ گئی ہے میں کہاں چھپوں اور آگے دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر اہل سنت پر جماعت کا امام ہے امام ابن کثیر فرماتے ہیں آگے یعقوب علیہ السلام کی اللہ نے تصویر کر دی اور چھو بیٹے پیغمبر ارادہ تو پہلے نہیں تھا لیکن جب آگے تصویر آ گئی لولا اللہ برحان ربی یہ عورتیں مکر کرتی ہیں ان کیدکن عظیم اور عجیب عجیب بہانے ہم کیا جانتے ہیں عجیب عجیب بہانے عجیب عجیب بہانے ہمارے فہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا ایسا ان کیدکن عظیم اچھا یہ بتا یہ بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور پھر اسے خرید لیا ہو فرمایا مومن کی جان کو رب نے خرید لی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فرمایا مومن کو پیدا بھی اللہ نے کیا جب پیدا کر لیا تو پھر فرمایا مومن
मैंने तुझे खरीद लिया। ओ मोमिनो हम बिके हुए, ओ मोमिनो हम बिके हुए, मोमिनो हम बिके हुए हैं। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आबा अजदाद सिख थे और अल्लाह ने ही और फरमाया करते थे सैयदताउला शंकरारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे ओवे सैयद का पुत्र ते हीर लिखे, ओवे सैयद का पुत्र ते अरे शाह हीर लिखे ते ओवे सिख दी औलाद ते तफसीर लिखे। फरमाया शाह साहब ने फरमाया अहमदली लाहौरी अपने जैसे हजार सैयद तेरे कदमों पर मुछावत है। कारी अब्दुल रहमान विच सरगोदा छोटे करके थे बिजली तारी अब्दुल रहमान बिजली मेरी होश से पहले गुजर गए। उनके वाले उनके बेटों को मैंने देखा कारी अब्दुल रहमान छोटे कद के थे जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे शाह साहब सुन शाह साहब तिलावत सुन जब उतरे ना शाह साहब ने जूता पकड़ कर कारी अब्दुल रहमान के सामने सुन फरमाया कुरान तो मेरे नाने पे उतरा था पर पढ़ा मुझे तो अच्छा अच्छा आगे जूता रख दिया और वो शर्म के मेरे मारे पहने शाह साहब आपने ये क्यों के घर में मेरा हाथ बनता है जिस तरह तुमने कुरान का हक अदा किया है मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह सवालात की भरमार होती रही जवाबात आते रहे सवालात होते रहे जवाबात आते रहे जब राहिब की जुबान बंद हो गई सवालात खत्म हो गए। हजरत बायजीद फरमाते हैं सौ सुनार दी तो एक लुहार दी हूं मेरा एक ही सवाल है तूने इतने सवाल मेरे ऊपर कर दिए फरमान कर दी सवाल आपकी और मैं भी अब तेरे ऊपर सवाल करूंगा और मेरा एक ही है इजाजत। उसने कहा इजाजत इजाजत। हजरत ने फरमाया एक ही सवाल है सवाल ये करके बता जन्नत की कुंजी किसके पास जन्नत की कुंजी जन्नत की कुंजी किसके पास है। अब न चाहे मानदा न पाए रफ्तन मुंह में जबान नहीं काटो तो खून नहीं खामोश बैठा हुआ है। अब सामने इनमें से सारे बोल पड़े जनाब आपने इतने सवाल किए और इतने नए सवाल किए हमने भी कभी नहीं सुने थे। आप सवाल पर सवाल करते चले गए उनको बेइज्जत करने के लिए कि ताकि उनको जवाब नहीं आएगा और उनकी बेइज्जती होगी। अल्लाह ने उनकी मदद की वो आपको जवाब देते रहे और आपकी तस्लीम कर रहे कि आपने जितने सवाल किए उसके उन्होंने जवाब ठीक दिए। आप बता कि उन्होंने जो सवाल किया आप जवाब क्यों नहीं देते। आगे से राहिब या ईसाई पादरी कहता है जवाब मुझे आता है जवाब मुझे आ गया है दे भी सकता हूं लेकिन तुम नहीं मानोगे। मजमे ने पंजाब सुबह होके कहा आप जवाब सही दें हम मानेंगे। तो पादरी कहता है कि जन्नत की कुंजी हजरत मोहम्मद पाक के हाथ में है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक के अंदर जन्नत की कुंजी है। कहा कौन सी। उसने कहा जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब पादरी ने कलमा पढ़ा तो पूरे मदीने ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर के उम्मती हो गए गले के अंदर सुन्नत थे तोड़कर शहीद पर रख दिए और हुजूर के उम्मत में शामिल हो गए। अब कहने लगे बायजीद को बायजीद अब जो तेरा रास्ता है हमारा भी वही सौदे के लिए बाजार गए हाथ उसके बिके जिसके खरीद करो हाथ उस वक्त भाई हम ऐसी करा मत दिखाए हम ऐसी करा मिट्टी चौक के तली ते रखे ते लून बने आए के नहीं दस ऐसी करा मत हम काए तो मदारी आए नहीं होते वो मुंडे दे मुंह में ते गेंद पा दे चला गया हो तलवार ते थलू डेग पे ऐसी करामत के हम कायल नहीं है। मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकात हो जिंदा वली आपके सामने उनके पास एक कादियानी आया खुदा की कसम एक जुमला कहा हजरत एक जुमला कादियानी को पास बिठाकर कोई दलाल नहीं ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या फौत हो गए हजूर आखिरी नबी है या नहीं है कोई दलाल नहीं कोई मसाइल नहीं कोई हदीसें नहीं कोई आयात नहीं
कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना जुमला मौला हसन साहब ने कहा, ये सच्ची गल मैनू दस, ये बता कि कौन सी कमी तूने मेरे नबी पाक के अंदर देखी कि इनको छोड़कर तूने मिलने को नहीं बना। एक जुमला बोला वो तौबा करके उठा, एक ही जुमला बोला तौबा करके उठा और माफी मांगी, कहने लगा आज के बाद मिर्जायत कादियानियत अहमदियत से मैं तौबा करता हूं और हजूर का पक्का सच्चा उम्मती बनकर हजूर की खत्म नबूवत पर काम करूंगा।